नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के एक नई वीडियो में हम जो बात करेंगे स्किन साइंस सॉप के बारे में, जो आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं। स्किन साइंस सॉप दोस्तों एक ऐसा फेस फेयरनेस के लिए काम करता है। बाकी दोस्तों, ये एक ऐसा सॉप है, एक तरीके से दोस्तों OTC ब्रांड में भी आता है। दोस्तों OTC की बात करें, जैसे इसे खरीदने के लिए डॉक्टर पर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी जनरल स्टोर या कहीं पर भी मॉल वगैरह में बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसे यूज़ करने से पहले ज़रूर किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट से ही सलाह करके इसका यूज़ करें, अन्य ऐसे बिल्कुल भी इसका यूज़ ना करें। बाकी दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे इस फुल रिव्यू में, स्किन साइंस सॉप के दोस्तों कैसे यूज़ किया जाता है और फेस में होने वाले किन किन समस्याओं को दोस्तों ये सॉप ठीक करता है, कैसे इसका यूज़ किया था, क्या इसकी MRP, क्या इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एक करके हम जान लेंगे दोस्तों वीडियो की एंड तक। दोस्तों, आप अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देख करके आप इसको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। बाकी दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होगी तो जान लेते हैं। सबसे पहले स्किन साइंस शॉप के एक एक करके इसके पूरे डिटेल्स हैं। दोस्तों, स्किन साइंस शॉप जो है दोस्तों, आप ये मेरे हाथ में देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा चर्चित फेमस भी है जो मैंने आपको बताया। इससे पहले दोस्तों स्किन साइन क्रीम आती है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और दोस्तों स्किन में जैसे फेस के लिए ज़्यादातर उसका यूज़ किया था, किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। आज जो हम बात करेंगे स्किन साइंस शॉप के बारे में, कैडिला ब्रांड द्वारा बनाया गया, MRP की बात करें तो दोस्तों इसकी इस समय पर MRP है 85 रुपीज़। 75 ग्राम का दोस्तों इसका पैकेजिंग है। इसका यूज़ जो किया जाता है दोस्तों, फेस की फेयरनेस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फेस में होने वाले बहुत सारी समस्याएं और भी देखी जाती हैं। आजकल स्किन केयर बहुत ज़्यादा की जा रही है, जैसे फेस में पिंपल्स हो जाते हैं दोस्तों, फेस में फेयरनेस यानी कि डार्क स्पॉट के चलते चलते दोस्तों क्या होता है, चेहरे में ऑयली होने के कारण बहुत ज़्यादा चेहरा डल हो जाता है। फेयरनेस के लिए भी ये काम करती है, जैसे बात करें चेहरा किसी का पहले से डल है उसको भी दोस्तों चेहरा फेयर करने का ये काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है, चेहरे पर पिंपल्स वगैरह होते हैं, ऑयली स्किन की वजह से दोस्तों पिंपल्स या एक्ने निकल आते हैं, तो उसमें भी इसकी डॉक्टर से सलाह करके इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके और भी सारे काम रहते हैं, ये सारे इसके यूजर्स हो सकते हैं जो फेस के लिए मैंने आपको जैसे बताए हैं। बाकी दोस्तों इसका यूज़ कैसे करते हैं, सॉप है दोस्तों, सॉप की बात करें जैसे इससे फेस वॉश करने पड़ेगा दोस्तों। जब भी आप फेस वॉश करेंगे तो इससे करना होगा, जैसे सुबह शाम या दिन में एक बार, दिन में दो बार, जितनी बार फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश करने के काम आता है दोस्तों सॉप में। बाकी दोस्तों इसका यूज़ करते हैं डॉक्टर से सलाह करके। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की। दोस्तों ज़्यादातर इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी है लगभग लगभग विटामिन मिनरल से मिलकर के बना है, जैसे विटामिन ई वगैरह या और भी सारे इसके अंदर डाले गए इंग्रेडिएंट्स, जो जहाँ तक लगभग आपको किसी को भी किसी की भी स्किन पर दोस्तों ये साइड इफेक्ट ज़्यादातर नहीं पहुँचाएगा। बाकी दोस्तों अन्य साइड इफेक्ट देखने को इससे मिल सकते हैं, वो किसी की स्किन पर अगर सूट नहीं हो पाता तब, जैसे ड्राइनेस वगैरह से हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकता है, और स्किन में थोड़ी इरीटेट वगैरह भी हो सकती है। कुछ एक साइड इफेक्ट इसके देखे जा सकते हैं, जो अन्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बाकी दोस्तों इसको यूज़ करने से पहले ज़रूर डॉक्टर से ही सलाह करें, और इसको बच्चे इस्तेमाल ना करें। यदि कोई महिला या पुरुष, लड़की या लड़के या कोई भी यूज़ करते हैं इसका, तो पहले डॉक्टर से सलाह कर लें, उसके बाद इसका यूज़ करें। स्किन साइंस सॉप दोस्तों आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इसके बारे में यहीं तक जान लेते हैं, बात कर लेते हैं कोई अपनी नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।